दीवार में दरारें पड़ती है तो दीवारें गिरती हैं, जब दिल में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। ये मेरा आबाई वतन है, यहीं पे हम पैदा हुए। शोलापुर शहर बीजापुर बेस के करीब है। मरहूम हाजी मोहम्मद इसहाक साहब मेरे वालिद, हम 5 भाई और 3 बहनें। हमारे वालिद एक बहुत बड़े ताजिर, शहर के मशहूर नामवर, नौकर चाकर, बड़ी फैमिली थी यहाँ पर। वो सारी बातें याद आ रही है। आज उनकी मेहनत से कमाई हुई ये जो मिल्कियत है, आज इस जायदाद की तकसीम हो रही है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि ये सारी कमाई मेहनत की थी, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, शायद इसीलिए ये अंजाम तक पहुंची। वरना ऐसी कई प्रॉपर्टीज़ हैं जो अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। मैं तमाम भाइयों का, बहनों का मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी कोशिशों को कामयाब बनाया और इसकी तकसीम अंजाम तक पहुंची। ये जो हमें मिल रहा है विरासत में, ये बहुत मेहनत से यहाँ तक हम तक पहुँचा है। मेरी वालदा मरहूम अजीज़ा भी हमारे वालिद के इंतकाल के बाद जिस मेहनत और मशक्क़त से हमको पढ़ाया लिखाया, आज हमारी तीसरी पीढ़ी भी उन्हीं की बदौलत खुशहाल है। मैं सैयद सईद अहमद, हाजी मोहम्मद इसहाक मरहूम की ये मिल्कियत है, मैं उनका बेटा हूँ, सबसे छोटा। हम 5 भाई और 3 बहनें। मेरे वालिद यहाँ के मशहूर ताजिर रहे हैं इस शहर के। ये घर में बहुत चहल पहल थी, एक दौर था, हमारा बचपना यहाँ बीता, हमारी पढ़ाई यहाँ हुई, और वो सारी चीज़ें आज याद आ रही हैं। आज इस मिल्कियत की जायदाद तकसीम हो रही है हमारे भाइयों में, बहनों में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत खुशी की बात है कि उन बुज़ुर्गों की दुआओं का नतीजा है कि विदाउट डिस्प्यूट ये चीज़ें हो रही हैं। हमने कोशिश की, फिर भी अगर किसी के साथ ज़्यादती होंगी हुई होंगी तो हम उसके लिए माज़रत खा हैं। बहरहाल हमें लगता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे वालिद मरहूम हाजी मोहम्मद इसहाक साहब ने बड़ी मेहनतों से मिल्कियत बनाई थी। अल्लाह ताला किसी की मेहनतों को ज़ाया नहीं करता, ये उनकी मेहनतों का नतीजा था कि ये इस मिल्कियत में बरकत रही और ये तकसीम हो रही है विदाउट एनी डिस्प्यूट के। वरना कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपसी चपकलिश की वजह से वीरान खंडर बनते ही चले गए और किसी के हिस्से में भी नहीं आई। वी आर सो लकी। और लेकिन हमारे वालिद मरहूम के इंतकाल के बाद, मेरे वालिद मरहूम हाजी मोहम्मद इसहाक सोलापुर शहर के नामवर ताजिर थे, मज़हबी मिजाज था, बहुत मेहनतकश थे, और उस दौर में वो सिर्फ अपने ख़ानदान की किफालत नहीं करते थे बल्कि रिश्तेदारों के बच्चों के साथ भी वही बर्ताव करते थे जो खुद के औलाद के साथ करते थे। बड़ा ड्राई फिश का वो होलसेल व्यापारी थे और रिटेल कारोबार भी करते थे। और उनका इंतकाल 24 मार्च 1969 में 1969 में हुआ। तब तकरीबन हम 5 भाई, उसमें से 4 भाई अभी ज़ेर तालीम थी, तालीम हासिल कर रहे थे, कोई सेटल नहीं था। 3 बहनें हमारी थी। तो इस वक्त हमारी, मेरी माँ मरहुमा अजीज़ा बेगम, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आई। पूरा फैला हुआ कारोबार था, चहल पहल थी इस घर में बहुत ज़्यादा, सारा ठप सा हो गया था, ज़िंदगी रुक सी गई थी, उसमें कोई सेटल नहीं था। हमारी वालदा मरहुमा एजुकेशन की अहमियत को समझती थी।